हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ तुलसी के बीज। इसमें रामा है, श्यामा है, दोनों तरह की तुलसियाँ हैं। आप देख सकते हैं किसी किसी का कलर डार्क है और किसी का लाइट है। जिसका लाइट कलर है वो रामा है, उसका डार्क कलर है वो श्यामा है। तुलसी के बीज का इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तुलसी के बीजों में प्रोटीन, फाइबर, लोहा अधिक मात्रा में होता है। तुलसी के बीज पाचन, वजन घटाने, खांसी, ठंड का इलाज करने में भी कारगर है। इसके अलावा बहुत सी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए आपको भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आप इनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में ला सकती हैं। वैसे तो हमारे आंगन में हिंदुस्तानी रिवाज के अनुसार, परंपराओं के अनुसार और मान्यता, बहुत ज़्यादा मान्यता है तुलसी के पौधे की, सभी के आंगन में मिलता ही है और ये महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया दो प्रकार की होती हैं, रामा और श्यामा, लेकिन सेहत के लिए श्यामा तुलसी को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जो लोग रोज़ाना तुलसी की 5 पत्तियाँ खाते हैं वो कई रोगों से दूर रहते हैं, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी तीनों दोषों को दूर करने का में सक्षम होती है, जैसे कि गले की खराश। तुलसी के पत्तों को उबालकर अगर इसका आप पानी पीते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी, इसमें बहुत आपको राहत मिलेगी। इस पानी से अगर आप गरारे करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात जो है, तुलसी का उपयोग में लाया जाना ये जो है किडनी की कार्य प्रणाली के लिए भी बेहतर माना जाता है, इसमें भी सहायक होती है। कहते हैं कि रिनल स्टोन होने पर तुलसी की पत्तियां और शहद को मिलाकर 6 महीने तक अगर आप लगातार लेते हैं, मूत्र मार्ग से पत्ती जो है टूट कर होता ही बाहर निकल जाएगी। और अगर आपको मान लो आप कहीं जा रहे हैं या रात हो गई है, बाहर हैं, आजकल जिस कीड़ों का मौसम है, कोई कीड़ा काट देता है, कुछ करता है, तो आप उस पर ना तुलसी रगड़ के लगा दो, तोड़ के तो तुलसी उसी जगह पर इसको मल दें, ये बहुत उसी जगह से मलने पर ये ठीक हो जाए। आँखों में सूजन है, रथौंधी है, तुलसी की पत्तियों का आप रस निकाल लें, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये समस्या विटामिन ए की कमी से होती है। इसीलिए श्यामा तुलसी के रस की 2 बूंदों को सोते समय रोजाना आँखों के ऊपर डालना है। जी हाँ, अंदर नहीं डालना है, आँखों के ऊपर डालना है, तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रोशनी के लिए भी, जैसे किसी को रतौंधी होती है उसके लिए भी। जैसे कि आप सोचेंगे कि तुलसी के बीजों को खाया कैसे जाए, रात को सोने से पहले, जी हाँ, 1 या 2 चम्मच जितना आप कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो आप 1 ही चम्मच लें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको भिगो लें रात को। अगर आप फाइन वाली लेते हैं, बाज़ार से परचेस करते हैं, मैंने तो अपने घर की ली है, अगर आप बाज़ार से परचेस करेंगे तो वो आपको उसके दाने निकले हुए देंगे और वो जो है फिर जेल का रूप धारण कर लेती है, रात भर भीगने में जेल जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है उसकी। तो इसके लिए उनके स्वास्थ्य के लाभ जो है, पानी में भिगा कर अगर पीते हैं और इन बीजों को चबाते हैं आप, तो ये कुल मिलाकर ऊपर से इसके बाद चबाने के बाद देख रहे हैं आप कलर कैसा चेंज हो गया है। एक का देखिए, एक को मैंने अभी भिगोया है और एक रात की भीगी हुई है। तो इसको बीजों को आप चबा लें, इसको थूकना नहीं है आपने, फेंकना नहीं है, और ऊपर से दूध पी लें। जी हाँ, अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, फीवर है आपको, तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं के ये छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं। इस न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, इन बीजों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के गुण भरपूर होते हैं। जी हाँ, और तुलसी के बीज सिर्फ तुलसी के पौधे उगाने के लिए नहीं, आप इन्हें खा भी सकते हैं। ये तिल के बीजों की तरह छोटे छोटे से दिखते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया। देखिए आप, आपके भी घर में पेड़ उगे होंगे, तुलसी उगी होगी और ऐसे ही वेस्ट चली जाती होगी, तो ये बहुत ही कीमती है। जी हाँ, ये देखिए, ये श्यामा तुलसी है, इसके फूल आप देख सकते हैं कैसे पर्पल कलर के हैं, और इससे भी डार्क रंग की श्यामा होगी। और भी दिखाऊंगी बाद में, किसी दिन दिखाऊंगी और वीडियो लेकर आऊंगी मैं, तो मेरे पास इससे भी डार्क वाली श्यामा भी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तुलसी के बीज आप जो है ना, चाहे तो इन्हें घर में बोलें, गमले में बोलें, या फिर आप किसी से भी
मंगवा सकते हैं या फिर किसी नर्सरी से जाकर ला सकते हैं। अगर छोटी छोटी पत्तों वाली तुलसी मिल जाए आपको तो वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिन बीजों को आप खा सकते हैं वो आम तरह के, कहते हैं कि जैसे बाहर तो विदेशों में स्वीट बेजल कहा जाता है, बेसिलिकस होते हैं जो, यह पौधा आमतौर पर सीजनल फ्रूट्स की तरह इस्तेमाल होता है। बीजों को अक्सर लोग जो है ना चिया सीड्स भी समझ लेते हैं, जो इनके अंदर से बीज निकलते हैं। तो तुलसी के बीज अलग होते हैं और चिया सीड्स अलग होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ कहना था कि जो मैं आज आपको बता रही, वज़न घटाने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए, जी हाँ, आपकी शुगर भी इससे कंट्रोल हो सकती है, और शरीर को ठंडा रखने के लिए, तनाव से राहत दिलाने के लिए, और अगर आपके बॉडी पे कहीं स्वेलन आती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तुलसी के बीजों का सेवन करने से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, उनके सेवन ज़रूर कीजिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो उनकी ये मंजरियाँ तोड़कर इकट्ठे कर लीजिए, बिल्कुल भी बेकार मत जाने दीजिए। हम बहुत आलसी होते हैं, आलस करते रहते हैं, चीज़ें हमारे घर सामने होती हैं लेकिन हम नहीं करना चाहते। आपको एक बात और बताऊँ, जितनी भी आप एलोपैथी की टैबलेट्स लेती हैं वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर आप इस तरह के देसी नुस्खे, छोटे छोटे नुस्खे आजमाते हैं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। एक तरह से कोल्ड और फ्लू में भी आपको राहत देगा। सबसे बड़ी बात है ये कब्ज में भी फायदेमंद है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, और बालों के लिए भी लाभकारी है। अगर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन है, किसी तरह का चर्म रोग है, तो आप, जैसे कि मैं बता रही थी अभी आपको कि बालों में अगर आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप एक चम्मच सीड्स को बॉयल करके उससे पानी को, आप उस पानी से अगर आप सर को धोते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आप इसको खा भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, और ये बीज जो है ना वज़न मेंटेन करते हैं आपका, जी हाँ, आप इनको वेस्ट नहीं करेंगे, और ओमेगा 3 फैटी एसिड की हाई मात्रा सुपर फूड के रूप में बनाती है इसको, और इसका सेवन आपको बहुत ही प्रभावी ढंग से मददगार साबित करता है। इनके बीज में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो एक समृद्ध स्रोत है, जो कि ओमेगा 3 और फैटी एसिड के लिए, जी हाँ। तो ये बीज आपकी भूख को भी कम करते हैं, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है, इसी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आप एक चम्मच तुलसी के बीजों को उठाकर चबा सकते हैं, आपको भूख कम लगेगी, जी हाँ, लंबे समय तक आपको ये सेंसिएट रखते हैं। तो थोड़ा सा बॉडी को अगर हीट भी हो तो कम करती है। गर्मियों के दौरान अपने ड्रिंक में अगर आप शामिल करते हैं इनके बीजों को तो ये आइडियल फूड है, आपको आराम से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। शरीर की गर्मी को कम करने के भी काम आता है, क्योंकि ये बीज एक नेचुरल कूलेंट के रूप में काम करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग कई डिटॉक्स जिम के लिए भी किया जाता है। दही में लेकर ड्रिंक को मिलाने से ये बीज शरीर की गर्मी को कम करते हैं और तापमान को बैलेंस करने का काम करते हैं। कोल्ड और फ्लू में भी आपको जैसे राहत दिलाते हैं, चिलचिलाती गर्मी में के दौरान ठंडा रखने के लिए, जी हाँ, ये कहते हैं ना उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो चिलचिलाती गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडा रखने के लिए, आपको वायरल और कॉमन कोल्ड जैसी, फ्लू जैसी बीमारियों को राहत दिलाने के लिए तुलसी के बीज में एंटी स्पास्मोडिक गुण होते हैं, जो सूखी खांसी का इलाज बड़े ही आराम से कर देते हैं और तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देते हैं। आपके पाचन शक्ति में जो है सुधार लाते हैं, मलत्याग को आसान बनाते हैं, डिटॉक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, इसके लिए बोबल मूवमेंट को बढ़ाते हैं आपके, और तुलसी के बीजों को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेने से आपकी पाचन संबंधी समस्याएं भी, या पेट में अगर सूजन है किसी कारण, आपको कई बार सुना होगा आपने, हल्की हल्की चुभन रहती है, दर्द रहता है, हो सकता है आपके पेट में सूजन है, तो आप इसको दूध में उबाल कर पी सकते हैं, चाय में डालकर पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। और सब्जा, जी हाँ, सब्जा के बीज में मौजूद है ये डाइटरी फाइबर ब्लड शुगर के लिए, ये आपको ऑनलाइन सब्जा के रूप में मिल जाएगा, इससे जो है ना ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है,
और ये काफ़ी अच्छी मददगार साबित होती है। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं इसके बीजों को, अन्यथा आपके अगर घर में हैं तो आप इन बीजों को स्टोर कर लीजिए। रोज़ एक कप पीने से आपके दिन भर की इंसुलिन जो संवेदनशीलता है उसको ये सुधार ला देगा, कब्ज को ठीक कर देगा। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है कब्ज, सारी बीमारियों की जड़ जो है कब्ज ही होता है। एक तरह से आपने देखा होगा फालूदे के बीज, जी हाँ फालूदे के बीज के रूप में जो आपको गर्मियों में आइसक्रीम वालों के पास मिलेगा वो इसी सब्जा का ही फालूदा बनाते हैं वो लोग, भिगा कर वही डालकर आपको देते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, अब पुराने अब मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले जो आइसक्रीम वाले हैं जब आपको कोन बना के देते हैं ऊपर से ये सब्जा डाल के दाने दाने से सब कुछ देते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद सा, तो वो इसके बीज ही होते हैं जो सब्जा कहलाते हैं। ऑनलाइन आप परचेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो ही मिल जाएगा। रात को एक गिलास दूध में और या फिर एक गिलास पानी में भिगा कर इसका सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं।